Friends. Chapter 5 Northern Plains and piece number 66. Let's try 5. Within peers, look at the map of the northern plains of India. First, name the two rivers of the northern plains which flow in its westernmost part. To constitute rivers Satlas and Nadi. ओके सतलज एंड व्यास नदी बीज मीन्स व्यास नदी को कहा गया है सेकंड आउट ऑफ दिस टू रिवर विच इज लार्ज अभी दो नदियां हैं उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है सतलज नदी है द सतलज बेसिन द सतलज बेसिन रिवर सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बीज फ्रॉम फॉर्म द सतलज बेसिन जो नदी सतलज और इसकी सहायक बीज है वो सतलज बेसिन का निर्माण करती है इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स और यह है वेस्टर्न पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट से वहां पे स्थित है इन द सतलज बेसिन इट इज अ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर सतलज बेसिन है ये क्या होता है ये इस गर्मियों में तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड द यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़ आर लोकेटेड इन दिस बैसिन जो राज्य हैं पंजाब और हरियाणा और जो केंद्र शासित है चंडीगढ़ वो भी इस क्षेत्र में स्थित है लेट एस रीड द स्टोरी ऑफ जतेंदर सिंह टू नो अबाउट द पीपल ऑफ़ द सतलज बैसिन आओ हम कहानी को पढ़ते हैं जतिंदर सिंह की और जानते हैं उसके बारे में लोगों के बारे में जो सत्रस बेसिन में रहते हैं उन लोगों के बारे में जानते हैं जतिंदर इज ए फार्मर हु लिव्स इन ए विलेज इन पंजाब जतिंदर एक किसान है जो कि पंजाब में के में एक गांव में रहता है मोस्ट ऑफ द अदर विलेजर्स आल्सो डू फार्मिंग बिकॉज़ द सोइल इज वेरी फर्टाइल अधिकतर जो गांव के लोग होते हैं वो क्या है किसान है यानी खेती करते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन कैसी है उपजाऊ है द फार्मर्स गेट है लोट ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर सतलस एंड बीन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स जो किसान है वो बहुत ज़्यादा पानी को क्या करते हैं लोड ऑफ वाटर कौन सी नदियों से प्राप्त करते हैं सतलज नदी से और बीस नदी से प्राप्त करते हैं यानी व्यास नदी से प्राप्त करते हैं फसलों को उगाने के लिए वीट मस्टर्ड एंड शुगर केन आर द मैन क्रॉप्स और यहाँ की मैन क्रॉप्स कौन कौन सी है वीट भी है यानी गेहूँ है सरसों है गन्ना है फार्मर्स आल्सो ग्रो अदर क्रॉप्स लाइक राइस कॉटन ग्राम एंड ऑयल शेड्स किसान ये भी उगाते हैं यानी दूसरी फसलें भी उगाते हैं जिसमें चावल आता है कपास आती है और चना और तिलहना होता है ओके और पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना कितना शानदार पिक्चर दिखाई दे रही है ग्रीन फील्ड की तो नेक्स्ट जतिंदर एंड हिज विलेजर आल्सो कीप काउस एंड बफेलो जतिंदर और उसके जो परिवार के हैं वो सॉरी विलेजर्स है ना गांव के उसके वो सब क्या रखते हैं गाय भी रखते हैं और भैंसों को भी रखते हैं दे सेल मिल्क कर्ड चीज एंड बटर इन द नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज वे बेचते हैं दूध बेचते हैं दही चीज को पनीर को मक्खन को पास के गांवों और शहरों में बेचते हैं जतिंदर सिस्टर इन ए विलेज इन विलेज हरियाणा। जतिंदर की जो बहन है वो भी हरियाणा में रहती है हरियाणा के जो गाँव है उसमें रहती है मोस्ट पीपल इन हर विलेज आर आल्सो फार्मर अधिकतर लोग जो है ना उसके गांव के वो भी क्या है किसान है दे आल्सो प्रैक्टिस डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग वे सब किसके लिए अभ्यास रहते हैं यानी किसको ज़्यादा करते हैं उनके क्या है घर में डेयरी फार्मिंग होगी या मुर्गी पालन का वो काम है? करते हैं यानी पोल्ट्री फार्मिंग होती है तो उसका काम करते हैं ए सुगर मिल एनी वेजिटेबल ऑयल मिल है कम नियर फीलेस। एक चीनी की मिल है और एक सब्जी जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना सब्जी में जो यूज करते हैं तो वेजिटेबल ऑयल की मिल भी है वे सब पास के गाँवों में स्थित है यानी जो कम अपनी नीयर द विलेज जो पास का गांव उसमें है मैनिफ्लेजर्स वर्क इन दिस मिल्स बहुत सारे लोग जो है ना गाँव के वो सब इसमें काम करते हैं बट जतिंदर फील्स सैड टू सी द डर्टी वाटर फ्रॉम द मिल्स बींग डिस्चार्ज इन टू द रिवर लेकिन जतिंदर को बहुत दुख होता है ये देख के कि गंदा पानी जो होता है ना मिल्स का कारखानों का वो कहाँ पर डिस्चार्ज किया जाता है कहाँ फेंका जाता है रिवर्स में डाला जाता है क्योंकि पानी गंदा पानी तो वेस्टेज तो निकलेगा ना तो उसको वो वापस किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं यानी नदियों में ट्रांसफ़र कर देते हैं पीपल ऑफ द पंजाब वियर ट्रेडिशनल ड्रेसिज ऑन द ओकेज़न ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल फेस्टिवल्स लाइक वैसाखी जो पंजाब के जो लोग हैं वो अपने पारंपरिक ड्रेस जो होती है ना कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं ओकेज़न अब ओकेज़न क्या होता होता है उनका जैसे कोई भी मौका होता है त्यौहार होता है उस पर तो कौन सा ओकेजन पे पहनते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है फसल कटाई का जो त्यौहार होता है जैसे वैसाखी होती है उस पर पहनते हैं वीमन वियर सलवार कमीज एंड दुपट्टा औरतें क्या पहनती हैं सलवार कमीज और दुपट्टा पहनती है मैन वियर लुंगी कुर्ता एंड कलरफुल टर्बंस और आदमी क्या पहनते हैं मतलब वो लुंगी कुर्ता और रंग बिरंगा साफा पहनते हैं अब पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है ना देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स दिखाई दे रही है तो पीपल ऑफ पंजाब वियरिंग देयर ट्रेडिशनल ड्रेसिज़ ऑन द ओकेजन ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल वैसाखी तो ये वैसाखी की, की वो है उनकी तो उस पर वो क्या पहनते हैं सब लोगों ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है ना और लेडीज ने भी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है तो ये सब पहन के वो वहाँ पे बहुत मस्ती से क्या करते हैं हार्वेस्ट के टाइम में नाचते और कूदते हैं मतलब गाते हैं तो मतलब इंजॉय करते हैं त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं प्लांट लाइफ अब देखिए प्लांट के बारे में जानते हैं कि वहां उनका मतलब प्लांट जीवन कैसा है ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग एंड हुमन सेटलमेंट्स पंजाब एंड हरियाणा हैव लॉस्ट ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर फॉरेस्ट कवर अब ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ लैंड अब देखिए हम जमीन को तो क्या करते जा रहे हैं क्लियर करते जा रहे हैं ना जैसे फार्मिंग और हुमन सेटलमेंट से अब देखिए खेती भी होती है उसमें और मानव भी तो सेटलमेंट हो रहा है वहाँ पे अपने मकान वकान बना रहा है कुछ ना कुछ व्यवस्थित कर रहा है तो उसके कारण पंजाब और हरियाणा है ना वो बड़ा हिस्सा अपने जंगल का क्या है उसने कवर कर लिया है तो कवर कर लिया यानी जमीन के हिस्से खोते जा रहे हैं नहीं और छूटते जा रहे हैं और वो फॉरेस्ट को कवर करते जा रहे हैं तो बुश वेजिटेशन इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट्स यानी जो झाड़ी वाली वेजिटेशन होती है ना वनस्पति वो अधिकतर इसमें क्या इस राज्य इन राज्यों में पाई जाती है शीशम होगा एंड एकक्योलिप्टस होगा यूकेलिप्टस है ना ट्रीज आर फाउंड इन सम ऑफ दिस स्टेट्स शीशम का यूकेलिप्टस का ये सब पेड़ जो है वो यहाँ पे इस स्टेट्स में पाए जाते हैं और वह आप देख पा रहे हो ना इस टाइप के पेड़ होते हैं तो यहाँ पे जो शीशम की जैसे आपको ये लीव्स एंड सीड्स दिखाई दे रही है ना पॉड्स उनकी फलियाँ दिखाई दे रही है तो ये शीशम ट्री है और ये यूकेलिप्टस का है तो ये ट्री है इसका भी एनिमल लाइफ अब देखिए यहाँ पे जानवरों की जिंदगी कैसी है ब्लैक बर्ग इज द स्टेट एनिमल एंड द गोसाक इज द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब अब देखिए ये क्या है एक बाज की तरह का वर्ड है नॉर्दर्न जो हमने गोसाक की बात की ना वो क्या होता है एक बाज की तरह का एक पक्षी होता है, है ना तो ये क्या है इसे बाज के रूप में ही जाने जाते हैं और ब्लैक वग किसे कहते हैं हिरन का ही एक वो है तो ये देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ना यहाँ पे तो ब्लैक वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ये सबसे तेज गति से चलने वाला जम, जमीन पे जो चलता है ना एनिमल्स उनमें से एक है ठीक है और ये एक स्टेट एनिमल कहा जाता है यहाँ पे अब सेकेंड पिक्चर में आपको क्या दिखा रहा है नॉर्दर्न गोसाख दिखाई दे रहा है आल्सो नॉन एज बाज फीडिंग ऑन ए डेड प्रेजेंट अब ये देखिए ये कोई मरा हुआ जो जानवर है उसको खा रहा ना पक्षी को तो ये ये क्या कर बाज ये बाज की रूप में ही जाना जाता है मैनी बर्ड्स फ्रॉम यूरोप एंड साइबेरिया स्पेंड ए पार्ट ऑफ देयर विंटर इन द स्माल पॉन्ड्स फ्लैग्स एंड कैनल्स ऑफ हरियाणा बहुत सारे जो पक्षी होते हैं यूरोप से आते हैं साइबेरिया से आते हैं वो क्या करते हैं सर्दियों के मौसम में जब उनकी सर्दियाँ पड़ती हैं ना तो इन स्मॉल पोंड्स तो वो क्या जो छोटे पोंड्स बने होते हैं लेक्स बनी होती है कैनल्स बने होते हैं हरियाणा में तो वहाँ पे आते हैं यूरोप से और साइबेरिया से कलरफुल सच सचेस पैराकीट सनबर्ड बुलबुल एंड किंगफिशर आर फाउंड इन हरियाणा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स पाए जाती हैं जैसे कि पैराकिट के रूप में सनबर्ड के रूप में बुलबुल बुल भी होती है और किंग फिशर भी होता है जो हरियाणा में पाया जाता है अब नेक्स्ट लेट्स ट्राई सिक्स लेट्स ट्राई सिक्स इन द मैप फिगर थर्टीन कलर इन लाइट ग्रीन द टू स्टेट्स ऑफ द सतलज बेसिन अंडरलाइन द नेम ऑफ द यूनियन टेरेटरी डेट लाइज इन द सतल बैसिन अभी क्या आपको मैप दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या बताना ना आपको अभी हमने टू स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया जो सतलज बैसिन में आती है तो उनको आपको बताना है यहाँ पे इसमें आपको चिन्हित मार्क करना है यहाँ पे अंडरलाइन द नेम ऑफ द यूनियन टेरेटरी और ये भी बताना है कि कौन सी यूनियन टेरेटरी भी आती है जो सतलज बैसिन में स्थित है तो अब कौन सी स्टेट्स हैं हमारी आप सबको पता है पंजाब की बात की हमने अभी और हरियाणा की बात की टू स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया हम्म पंजाब एंड हरियाणा ओके तो ये हमारी क्या है ये स्टेट्स है लेकिन यूनियन टेरिटरीज की जब बात करें तो वो क्या है चंडीगढ़ आपको नजर आ रहा है ना पंजाब और हरियाणा के बीच में पे इधर साइड में ये चंडीगढ़ है ठीक है तो ये क्या है हमारी यूनियन टेरिटरी है ठीक है ना केंद्र शासित राज्य है ये मतलब तो यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है तो ये केंद्र शासित क्षेत्र बोला जाता है इसे तो चंडीगढ़ ओके तो ये हमारा कंप्लीट तो ये आपने देखा है सतलज बेसिन में कौन सी टूर स्टेट्स के बारे में बात की है हमने पंजाब एंड हरियाणा के बारे में और जब यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाए कि सतलज बेसिन में कौन सी यूनियन टेरिटरी आती है तो चंडीगढ़ आता है क्लियर नो कन्फ्यूजन तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना आपको ये याद कर लेना है ढंग से ओके तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे तो आप सबको ये कम्प्लीटली चैप्टर वाइज ये कम्प्लीटली ये लर्न होना चाहिए ओके एंड थैंक यू